नशरियात हैं उनको आप मुलायजा फ़रमा सकते हैं जादू टी वी रोको टी वी एमज़ोन फायर टी वी और एप्पल टी वी के ज़रिए से मुंजिया आलि बशरीत हज़रत इमाम ज़माना आलम के ऊनवान से हमारी गुफ्तु का सिलसिला शुरू है और इसमें मुख्तलफ़ एंगल से और मख्तल मौजूद के ऊपर हम गुफ्तु कर चुके हैं अलबत्तः गुफ्तु मुख्तरा सवाल के शक्ल में हैं और ओलामा के जो वहाँ जो एक्सपर्ट है उनसे उनकी राय भी लेते हैं और साथ साथ आ, जो गुजारिशात होते हैं वो भी आपकी ख़िदमत में पेश करते रहते हैं और इसके अलावा मोमिनीन के मैसेजेस की भी हम मुंतज़र रहते हैं कि अगर कोई सवाल है इस मौजू के ऊपर तो इन अजीज वो भी हमें भेज दे ताकि हमारे जो एक्सपर्ट है अलामा है उनमें से किसी एक से उस सवाल को इनशाज डिस्कस किया जाए तो एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करूँ किताब अवालमलूम से इमाम मेहद आसमाम फ़रमाते हैं अन्ना ख़ातिसिया मैं जिस तरीक़े से हमारे जद हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वह खातिम्ब्याः थे उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और इसके लिए कुरान मजीद की आ, मदरक और नस भी मौजूद है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आप जो है वो वह अनबिया है इसमें कोई शक नहीं है कि जो अक़ीद खत्म नबूवत का मुनकिर है उसके कुफर में कोई शक नहीं और इसके लिए जो है उमत मुसलिमा उन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह बेजारी भी कर चुकी है इस मोरत में काफ़ी बेहतर थे चूँकि जो ख़त्म नबूत का मुनक्र है वो शख्स यकी उसके कुफर में कोई शक नहीं तो फरमाते हैं कि जिस तरीक़े से हमारे हम जद हमजद हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ल वह ख़ातबयात बिल्कुल उसी तरीके से अना अन ख़ातमसिया मैं अवसिया का जो बारह वसी है हज़रत रसालत माप के उनमें से आखिरी मैं हूँ व भी यतफ़ाल्लाबला ही व शिअ ही और मेरे ज़रिए से अल्लाह सुबहान बलाओं को आफतों को मुश्किल को दूर फरमाएगा किन लोगों से आन अहली ही आन अहली एक तो हमारे अहल से यानी इससे मुराद शायद अहल बैत है यकीनन अहल बैत है लेकिन अहल बैत में से जो सादात के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अदवार में जुल्म होते रहे और ये जुल्म का सिलसिला जारी रहा तो एक सादात और अहल बैत से बलाओं को दूर करेगा और दूसरा जो है हमारे शीयों से मेरे ज़रिए से आफात को दूर फरमाएंगे तो आज के हमारे जो हमारे पास जो आलम हैं इनशाला अज़ीज़ जिनसे हम इन सवाल करेंगे इस मौजुआत पर वो है जनाब जनाबीरमिलत मौलाना जहीर अहमद खान इफ्तारी साहब उनसे इनशाला अजीज सवाल का जवाब करते हैं सलाम्क वरम वाल किबला खैरियत से इनशा तबीयत मिजाज है आपकी सब दुआ है। खुदा आप लोगों को में रखे और मौलाप आपको सलामत रखे इमाम हुसैन आलम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप नहाय ही मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए और हमें यह फख्र बख्शी मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे मुकदस नाम के हवाले से मुझको जो है वो मदऊ किया है और जिसकी हर आदमी की तमन्ना रहती है मैं खुश हूँ इमाम हुसैन चैनल पर आपके सामने जो है वो महवे गुफ्तु है जी मौला आपको सलामत रखे आ, किबला मैं गुफ्तु का आगाज़ आपकी इजाज़त से एक इश्काल से शुरू करूंगा क्योंकि जाहिर है कि ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे शिया मजहब में काफ़ी सारे मौजूद हैं जैसे आपको बेहतर इलम है कि वहाँ पे हमारे साथ काफ़ी बहसें होती हैं अलहदुल्लु जवाब भी देते हैं तो हमारे ऊपर जो एक इश्काल है वो ये है कि चूंकि इस दौर में पुराशोभ दौर में और इतने मजालम हो रहे हैं और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसा भी हो गया कि इमाम जो है वो गैबद के पर्दे में हैं तो मुखालफी ने कशकाल वारद करते हैं फरमाते हैं कि क्यों मेहदी मऊद अजल्ला फरजहुलश्शरीफ इतने पुराशोभ दौर के बावजूद तशरीफ़ नहीं ला रही इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी फरमाएँ मोमिन के लिए इनशा इस्तफ़ादा करें देखिए ये मसलाहते इलाही है कि अल्लाह जब जो है वो खासान खुदा में से या अपने नुमाइंदे को चाहे वो नबी हो या इमाम जनाब मूसा के जमाने में कितने बच्चे कत्ल किए गए सत्तर हजार बच्चे कत्ल किए गए अस्सी हजार बच्चे जो भी हजारों की तादाद में कत्ल किए लेकिन मूसा कब आए जब इतने बच्चे कत्ल हो गए भाई दो चार हजार कत्ल हो जाने के बाद भी परवरदिगार भेज सकता था उसकी कुदरत से वहीद नहीं था बेशक लेकिन जब परवरदिगार ने मसलाहत समझी तब उस वक्त जो है वो जनाब मूसा को उन्होंने भेजा जनाब इब्राहिम के लिए भी ऐसा ही है कि उनसे पहले भी आने उनकी आमद से पहले और उनके विलादत से पहले कितने हजार बच्चे कत्ल किए गए और उसके बाद जनाब इब्राहिम जो है वो दुनिया में तशीफ लाए और उनकी माँ ने जाकर पहाड़ की एक खोम उनको जन्म दिए तो ये मसल इलाही है ये असरार इलाही है और राजही है अल्लाह बेहतर समझता है हमारी इंसानी अकुल जो है वो उसके मसाइल को जो है वो उस तरीके से दर्क नहीं कर सकते जिस तरीके से जो है वो नबी या इमाम समझते हैं तो अल्लाह की मसलहित है जब वो मुनासिब समझेगा और जब वो देखेगा अभी बहरहाल दुनिया में काफी इलाके है की जहाँ जुन्या से उतनी नहीं भरी है, जितनी। का है। तो दुनिया का मतलब ये के बहुत से ममालिक्द इंसाफ है और जहाँ इंसान जो है वो कायदे से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है तालीम के एतबार से बिजनेस के अतबार से भी और औरतें जो है वो अपने किरदार के भी

ऊपर अल्लाह के ऊपर ये वाजिब था कि वो किसी की हिदायत के किसी को हिदायत के लिए हमारी भेजे जब तक इमाम नहीं आते या तो वो इमाम जमाना को आ, हुक्म देता वो से तशीफ लाते लेकिन इमाम का न भेजना और किसी और नए और हादी और रहबर का इंतजाम हिदायत के लिए ना करना यह इस बात की दलील है कि अभी हमारे मुकदस मुतकी परहेजगार और मुतकी परहेजगार और दुनिया से बेजार उलमा अभी भी दीन की खिदमत कर रहे हैं शरीय की खिदमत कर रहे हैं इलाहिया को लोगों तक पहुंचा रहे हैं लोगों की हिदायत और रहबरी का काम अंजाम दे रहे हैं इसीलिए जो है वो इमाम अभी पर्दे कैब से नहीं आ रहे जब उलमा भी अपनी हिदायत से काफिल हो जाएंगे और जब उनकी बात को बिल्कुल ही कोई नहीं सुनेगा अभी लोग उलमा से हिदायत हासिल कर रहे हैं उनके मसाइल शरिया पर अमल कर रहे हैं महाराज कराम जो है वो ईरान के भी महाराजे हैं इराक के भी महाराजे हैं और दूसरे इलाकों में भी एक आध दो उनके फतवे के मुताबिक और उनकी हिदायत के मुताबिक अकाम इलाहिया को अंजाम दे रहे हैं तो ये अभी आ, हिदायत का काम अंजाम दे रहे हैं और लोग उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं लिहाजा अभी पूरी तरीके से दुनिया झोर से नहीं भरी है जी कबिला आ, एक से एक इश्काल और है जो कि बहुत सारे हम बैरल किताबें जो शिया मज़ब के मुकाबले में लिखी गई किताबें हैं उनके उन्हों पे इश्काल हुए हैं एक इश्काल ये है कि इमाम हज़रत इमाम ज़माना आलाम की तूलानी हयात यानी इतने इतना अरसा गुजर गया क्या यह मुमकिन है कि एक इंसान मसलन बशरीत के लिबास में इतने अरसे तक चूंकि 1200 साल से ज़्यादा अरसे तक वो ज़िंदा रहें तो इसके बारे में आप अगर थोड़ी सी वजाहत फरमाएं तो देखिए ये एतराज असल में जो है वो क्या कहते हैं इमाम जमाना के ऊपर या एक किसी इंसान की ऊपर नहीं है जी। जो लोग इसम के एतराज को अपनी किताब में लिखते हैं जी। या खुतबा यासे मुमकिन है कितना तो दरअसल वो परत के ऊपर एतराज कर रहे हैं अल्ला भाई अल्लाह ने जब जो हमको जब वो जो वो किसी को जिंदगी देता है जो पैदा होने के दो घंटे के बाद मर जाता है कोई पैदा होने के माँ के पेट में आने के बाद उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है कितने होते हैं कि दस साल बारह साल पंद्रह साल के बाद मर जाते हैं कितने होते हैं बीस पच्चीस साल और भरी जवानी में दुनिया से चले जाते हैं कितने होते हैं कि जो बुढ़ापे में जो है वो अस्सी साल नब्बे साल तक की उम्र पाते हैं कुछ और लोग हैं खुद हमारे खानदान में हमारी दादी मरहुमा जो थी वो एक साल जिंदा रही है उनकी बड़ी बेटी अभी भी है तकरीबन 100 साल से दादा उनकी उम्र हो चुकी है अभी भी वो आयात है जी, तो परवरदिगार की कुदरत पर शक करना है भाई परवरदिगार जो है वो हर एक जिसको चाहे वो जिंदगी दे सकता है भी और भी उसकी कब्जे कुदरत में ये चीज है भाई जनाब ईसा को उसने चरखे चारों पर उठाया नहीं उठाया असाब कहब को जो है वो असाब कहब को जो है वो उसी इलाके में अल्लाह ने अपने सबकी नजरों से पोशीदा उनको जिंदा रखा या नहीं रखा सो रहे हैं सोने का मतलब ये साबित है बे 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 है कि हयात साबित मुर्दा नहीं वो भी जा रहे हैं और फिर कि उनके कुत्ते को भी जिंदगी दी है चलिए खासा ने खुदा को को जिंदगी जिंदगी दी दी और कुत्ते भी कुत्ता भी सो रहा है, है? और फिर यह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज तो मुसलमान अगर गौर करे या मोहतरीज इस बात पर गौर फिक्र करे भाई शैतान ने एक मोहलत मांगी थी परवरदिगार दिगार से

तो उनको जिंदगी नहीं अदा कर, तो 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 मतलब कर सकता है वो जनाब फजर को दी है जैसे जनाब ईस्टी है या और भी इस किस्म के लोग है की जो सौ डेढ़ सौ साल सौ साल से ज्यादा की जिंदगी हो चुकी है तो अल्लाह जबकि आजकल नॉर्मल लाइफ जो है वो अस्सी पचासी मानी जा रही है जी, जी. लेकिन उसके बावजूद भी तो अल्लाह जो है वो जिंदगी दे सकता है तो इस पे किसी का कोई बेशक 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 अरे अल्लाह ने क्यों जिंदा है 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 ये उसकी मसला है, तो वो देता है, उसने जिंदगी दी और साबित में भी लोगों ने जो है वो मोहलत मांगी थी नबियों के जमाने में उनको सर, भी जिंदगी दी जिन लोगों ने कहा था हम हम इस शर्त पे ईमान लाएंगे कि आप जो है वो क्या कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए आप अंबिया के हालात में पढ़िए किसी नबी के जमाने में गालिबन सुनमान के या किसी नबी के जमाने में कहा था कि हम मरेंगे नहीं जी तो कहा ठीक है हम तुम्हारी हाजत जो अबुल है बारगाह इज्जत में पहुंचा देते हैं परवरदिगार के बारगाह में नबी ने अर्ज की कि पालने वाले लोग कह रहे हैं कि शर्त हम इस्लाम ईमान लाएंगे तेरी वह पर और तेरे दीन को कबूल करेंगे कि हम मरेंगे नहीं ठीक है अब जिंदगी तो सबने मांगी लेकिन सेहत नहीं मांगी अब नतीजा ये हुआ कि जब हाथ पैर बेकार होगा लेकिन जिंदा थे तो आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें मौत ही चाहिए तो अगर कोई मांगे जिंदगी तो तब भी दे सकता है और अगर, अगर अपनी मर्जी से किसी को मसलहत देखेगा तो वो उसको तूले हयात दे सकता है क्योंकि वो हिदायत का इंतजाम हर जमाने में रखना चाहता है और खुदा से दुनिया कभी खाली नहीं रही है तो इस दौर में कैसे दुनिया खाली रहेगी बेशक 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 नहायत ही माकूल जवाब आप किबला आपने इर्शाद फरमाया और नहायत ही अच्छे तरीके से ज़ाहिर है कि अहिल अकल ही इस्ता कर सकते हैं तो एक हमारे पास एक और जो मसला है जिसको कहा जाए वो दौरे हाज़िर में भी है लोग मुख्तलिफ तरीके से पेशन गोयाँ करते हैं और वो अपना नज़रिया देते हैं कि इमाम फ़लान टाइम को ज़हूर फरमाएँगे इमाम फ़लान टाइम को ज़हूर फरमाएँगे इस किस्म के काफ़ी सारे वो है तो हदीस और रिवायात की तरफ अगर देखा जाए तो इमाम के ज़हूर का वक्त जो है वो मुयन नहीं है तो इस पर आप अगर रोशनी डालें कि क्यों इमाम के ऊहूर का वक्त मुयन नहीं किया गया देखिए ये असरार इलाया में से एक असर एक सिर है जी, और जिसको परवरदिगार ने अपने पास रखा है जी, और वो जानता है इसीलिए रवायात में मतलब मजम्मत हुई है कि कोई अगर कहता है कि मैं इमाम जमाना से मुलाकात करके आ रहा हूँ ये कोई कहता है कि इमाम ने इमाम फला वक्त उन्होंने आने के लिए कहा या फला वक्त इमाम आ जाएंगे जी, इमाम बहुत देखिए अलामत ूर बहुत सी पूरी हो चुकी है और बहुत सी अलामत जहूर अभी जो है वो पूरी है लेकिन अगर कोई चीज जो अलामत ूर में है हम ये कैसे कहते हैं कि ये वह, ये वही अलामत है कि जो इमाम के जहूर के लिए के लिए के पहले होने वाली थी भाई जैसे आ, मतलब है कि के, के करीब अली मदीन का कत्ल होगा तो भाई आगे सदर का कत्ल हुआ उसके अलावा और उलमा का कत्ल हुआ सद्दाम के जमाने में लेकिन उसके बाद भी इमाम आ गया कि तो वो भी दुनिया से रुखसत हो गए तभी मौत मरे लेकिन उसके बावजूद है तो इमाम के अलामत जहूर की अलामत बहुत सी पूरी हो चुकी है और बहुत सी अभी बाकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो मुश नहीं कर सकते में, हाँ में से एक राज है जिसको या नबी या इमाम जानते हैं और या फिर खुदा जानता है कि जब इमाम जो है वो आएंगे तो उसकी अलामतें वो खुद ब खुद जाहिर होंगी ये परवरदगार के इल्म है कोई इसको जो है वो नहीं बता सकता इसी तरीके से

एक सवाल जो निहायती मैं उसको ज़रूरी समझता हूँ वो है आ, इमाम ज़माना की तुलानी गैबत के मकासद यानी वो ये है कि क्यों इतनी तूलानी गबत अल्लाह के हुक्म से बहरहाल इमाम ने इख्तियार फरमाई है कि आ, इतना अरसा गुजर गया ये गबत मसलन आ, कम भी तो हो सकती थी कुछ अरसे के लिए ज़ाहिर है कि अगर हम ये कहें कि इमाम जो है वो आ, खौफ की वजह से मसलन उस दौर में तो ज़ाहिर है वो लोग जब गुज़र गए और हालात ठीक हो गए तो इमाम को आना चाहिए था हालांकि इमाम की गैबत जो है वो इंतहाई तुलानी गैबत है तो, तो। देखिये बुजुर्गार इमाम जो हमारे ग्यारहवे इमाम थे उन्होंने बता दिया था कि हमारे आईमा आएम, हम, की गैबत के बाद तुमको जो है वो ऐसे की तरफ रुजू करना चाहिए करते हो और अपने के दीन के जो है वो मुहाफिज हो और अपने मौला के मुती हो वो मती रवायत हमारे सामने मौजूद है जी। तो जाहिर है कि अगर इमाम की गैबत के इसलिए भी परवरदिगार ने रखी वरना तो परवरदिगार उनको महफूज रख सकता था है? बेशा, बेशा, और क्या कहते हैं मतलब ये कि इमाम अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था जी। लेकिन नहीं वो उलमा का भी इम्तिहान लेना चाहता है कि भाई हमने जो ग्यारह इमामों के जरिए और बारह इमामों बारह बारहवें इमाम तक जी जी हमने जो इन इना तक दीन और हमारे नुमाइंदों ने हमारे खुलाफा ने जो जानशीन जानशी है बरहम्बर के, के उन्होंने जो इनको पढ़ाया जो इनको बताया तो देखें कि इन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया है नहीं किया और ये सही तरीके से लोगों को वो पहुंचा भी रहे नहीं पहुंचा रहे तो ये एक है इम्तिहाना के लिए ये येमा को मौका दिया है हर वर्दार ने तो और अलहद ला जो है वो दीन को पूरी तरीके से पहुंचा रहे हैं मस्जिदें आबाद हैं इमाम बाड़े आबाद है, कुराने मजीद छप, रहे है दीनी छप रही हैं अब यह है कि मसलकी है तो भी इन लोगों को मौका दिया रहा। इस मसलकी में कितने लोग जो, जो है वो तहकी हिदायत हासिल कर लेते हैं वो मुस्तफ़िर कहलाते हैं बहुत से लोग शिया हुए पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी सूडान में भी और क्या कहते हैं तो वो भी तो इस तरीके से लोग जो है वो लोगों को मौका भी दिया जा रहा है, इमाम, इमाम है, है। इस्लाम की हकानियत और पैगाम के जरिए से लोगों को जो ओलमा पहुंचा रहे हैं उनके जरिए से लोगों को इस्लाम और सही मजहब और सही मसला और सही फेक की तरफ जो है वो मतलब आना इस बात की दलील है किलमा को के लिए ये वक्त मुइय किया गया कि आप पूरी तरीके से दीन को लोग जो है वो पहुंचाइए और जीए। हम आपकी जो है वो निगरानी जैसा वाकयात में मिलता है हिली हिली के हिली ने एक मसला जरा सा अः मतलब ये चूक हो गई थी उनसे वो जब औरत जो वो मर गई थी और उसके पेट में बच्चा था लोगों ने कहा पेट में बच्चा है मर गए कहा दफ्न कर दो लेकिन अभी कुछ ही दूर गया तो गया तो वो आदमी के देखा फिर अल्लाहली घोड़े पर आ रहे हो कह रहे हैं कि भाई वो मैंने मसला बताया था वो गलत है बच्चा जिंदा है पेट चाक करके बच्चे को निकाल के फौरन जो है उसको पेट सिल के उसके बाद माँ को दबा तो वो बच्चा बाद में बताया लोगों ने कि आका ये बच्चा तो इमां तो आगे अल्लाह इली ने जो है वो तय किया, किया कि मैं अब फतवा नहीं दूंगा फतवा देना बहुत ही खतरनाक काम है ये तो एक आदमी की का कत्ल मेरी गर्दन पे हो जाता शिशोपन में सो गए जब ख्वाब में देखा तो इमाम तशीफ लाए थे और इमाम ने कहा कि अल्ला देखो फतवा देना तुम्हारा काम है इसलाह करना हमारा काम सुभान अल्लाह सो तो हमारे उलमा जो है वो फतवा दे रहे हैं दीन की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं लोगों को हक हाँ बता रहे हैं किताबों के जरिए से तकरीर के जरिए से अपने अमल के जरिए से और आयात कुरानिया तो की रोशनी में सब कुछ हुआ ये भी नहीं कि अपनी मर्जी से और कुरान जो है वो मौजूदा है तो इस मौजूदे की रोशनी में इसी आयात से इस करके लोगों को दीन मजहब मसलक और सही तरीके से पहुंचा रहे हैं तो इसलिए जो है वो और जब तक उलमा इस तरीके से पहुंचाते रहेंगे तो उस वक्त जो है वो इमाम के के, के आने तक ये सब जो है वो दीन पहुंचा रहे हैं फिर उसके बाद जब इमाम आ जाएंगे तो फिर तो ये उलमा के इम्तान के लिए और लोगों को मौका दिया कि आया हम देखें नबी और इमाम के दरमियन से हट जाने से बज़ाहिर तो तुम लोग जो है वो दीन पर अमल करते हो तो लोगों ने भी दुनिया में दिखा दिया कि हाँ अगर इमाम परैब में है और उसके उसके इल्म की रोशनी में हमारे उलमा काम कर रहे हैं तो हम उनसे दीन को और मजहब को ले रहे हैं और इन शाह वो लेते रहेंगे ताकि हम इमाम के सामने हाजिर हो सकें। सुबहान अल्लाह अच्छा किबला एक मसला जो कि हो सकता है कि ये सवाल काफी मोमिन के जहन में हो कि इम जमाना आलाम बाद र जब इमाम ूर फरमाएंगे तो कौन से ऐसे बुनियादी इकदाम इमाम अंजाम देंगे इस पर अगर आप थोड़ी सी वजाहत करें तो देखिए ये तो रवायात में वादे कर दिया कि जब इमाम जहूर फरमाएंगे और एक हुकूमत और अदल, अदलो, अदलो दाद पर और जब पर जब इंसाफ पर हुकूमत उनकी मबनी होगी तो एक औरत जो है वो क्या कहते हैं मदीने से लेकर शाम तक या शाम से लेकर मदीने तक लदी फंदी जेवर में जो है वो अकेली चली आएगी और कोई उसको जो है वो मतलब ये को, ओ, उसको आ, उसके जेबर की तरफ या उसकी और इस्मत की तरफ कोई जो है वो निगाह भी नहीं करेगा तो इमाम जो है वो क्या कहते हैं अदल अदल से दुनिया को भर देंगे और तमाम दुनिया के मजल के इमाम आने के बाद पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से वैसे ही भर देंगे जैसा कि रवायात में है कि कमा कमलौर जैसे जो है वो जुलमजर से दुनिया भरी हुई होगी तो उसी तरीके से इमाम दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अपने पर अमल करेगा फिर उसके बाद जो है उसमें वना वना हम जो है वो जो लोग जमीन पर कुचल दिए गए हैं और उनको पिछड़ा बिल्कुल जो है वो बैग मतलब पीछे डाल दिया गया है हम उनको जो है वो इमाम भी बनाएंगे और उसके बाद उनके हाथ में हुकूमत कायम करेंगे और वही जो है वो मतलब वारिसीन में से होंगे नबुअत के और

शैतान का काम करेंगे इमाम और उसके बाद फिर जो है वो तमाम आ, बकिया आइमा की हुकूमत के लिए रजत जिसके हम कायल हैं तो होगी और फिर इमामों की हुकूमत इस दुनिया में कायम होगी फिर से और दुनिया देखेगी कि जुल्म की जो हुकूमत तो दुनिया ने देख ली थी और लोग बाद में गवाही देंगे कि अब देखेंगे कि कौन सी दुनिया कौन सी हुकूमत अफजल है और कौन सी हुकूमत जो है वो जालिम थी तो इसलिए इमाम जो है वो हुकूमत जो अल्लाह की चाहता था और जो नबी चाहते थे तो वो हुकूमत हुत कायम करेंगे और हर आदमी को उसका हक देंगे और कोई किसी आदमी का हक हाँ जो है वो पामाल नहीं होगा और अगर कोई जो है वो जुछ जुछ गलती करेगा तो उसको वाकई सजा भी दी जाएगी ये नहीं है कि कोई सजा नहीं गलती नहीं अगर कोई गलती करेगा अगर कोई खता करेगा अगर किसी जुर्म का इरतक करेगा तो उसको कानून शरीयत के कानून कानून शरीयत के मुताबिक उसको इमाम सजा देंगे तभी जो है वो साबित होगा के इमाम ने इकदाम किया है ऐसा थोड़ी है कि इमाम मतलब एक जो है ऐलान कर देंगे मतलब या कोई चीज फूक देंगे तो सब दीन पर अमल करना उनके जमाने में भी लोग जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये कि गलत काम करेंगे तो जैसे मौलाना कनात की हुकूमत में क्या लोगों ने शराब नहीं पी क्या लोगों ने, ने जो वो जुर्ण जुर्ण है वो जुर्म जुर्म नहीं किए तो मौलाना ने उनको सजा दी और सजा देकर जो है वो हजरत अली ने अपनी हुकूमत को यह साबित कर दिया कि हमारी हुकूमत अदल इंसाफ पर मबनी है तो वैसे ही जो है वो आपके बारहवें जानशीन भी दुनिया में हुकूमत अदलो इंसाफ के कायम करेंगे कि जो खजसी खुदा चाहता था हुकूमत, जैसे नबी चाहते थे और जैसे बक़िया इमां चाहते थे वो हुकूमत आप जो कायम करेंगे और यही इमाम के आने का मकसद भी होगा कि ताकि दुनिया से लम वहर को ख़त्म करकेदो इन की हुकूमत कायम कर देगी लोग खुदा को कायदे के साथ जो खुदा की इबादत करें बंदगी करें जी किबला टाइम तो हमारे पास किबला अभी है लेकिन जो सवालत हमने आपसे पूछने थे वो तो ख़त्म हो गए अगर मज़ीद आप सवालत के लिए किबला आमदगी रखते हैं तो मैं इनशाला मजीद सवाल आपकी खदमत पेश करूँ चूंकि टाइम अभी है हमारे पास ठीक है आप देखिए कोई ऐसा सवाल ना हो कि जिससे मतलब ये हमें नहीं कोई मसल आ, किबला जो अभी आपने फरमाया कि अकीद रज ये चूंकि शी मजहब का एक अकीदा है तो इसमें जो है इस पे अगर आप रोशनी डालें कि ये रजत जो है वो है क्या चीज देखिए रजत का मतलब यही है कि दुनिया में ये आइम्मा को फिर से जो है वो मौका दिया जाएगा और वो आएंगे आए? और है और लोगों को भी पुलट पलटाया जाएगा देखिए इमाम जब आएंगे और आवाज देंगे तो जिन लोगों को जिंदा कब्रों से झाड़ के मतलब ये कफन वगैरह अपना निकल के आएंगे तो ठीक है और जो नहीं आएंगे तो वो मैदान मैशर में जो है वो फिर हाजिर किया जाएंगे फिर ये कि मौला इमाम जो है वो लोगों को मौका देंगे जो मुस्तफ़ है जो गरीब है मुस्तफ़ की तारीफ जो है वो में आपने भी पढ़ी होगी कि मुस्तफ़ उसको कहते हैं कि जो हर हक और बातिल में तमीज न रखता हो बिल्कुल वो जी समझते जी ही नहीं कि अच्छा क्या बुरा आज आज आप लोगों से पूछिए जो बेचारे बैकवर्ड है हमारे यहाँ पिछड़ी जात के लोगों उनसे पूछे कि भाई अल्लाह को माना कर कहें भैया हम ये भगवान को मानते हैं ये भी तो अल्लाह ही है तो वो जानते ही नहीं है कि अल्लाह की परस्ती से अल्लाह की इबादत कैसे की जाए तो उस वक्त जो है भैया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं वो वो आजादारी भी करते हैं नौहा भी करते हैं मातम भी करते हैं लेकिन इमाम हुसैन को बहसीत हुसैन बाबा के मानते हैं एक मतलब मौजदाती शख्सियत मानते हैं लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि इमाम भी उनको मानना है हमें हमें उनकी इताज भी करना है हमें उनकी जो है फर्मा बरदारी करना बकिया में तो इन लोगों को इमाम मौका देंगे इनके ऊपर हक को बाकायदा तौर पर बयान किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा तो उस वक्त जो है वो जो लोग हक हाँ को कबूल कर लेंगे वो जो है वो पक्के मोमिन कहलाएंगे और उनको इबादत का मौका जिंदगी का मौका जो लोग नहीं देंगे उनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा वो मैदान मैशत में फिर अपने अमाल की सजा भुकेक देंगे और रजत में जो है वो ये सारे मतलब अम्बिया भी आएंगे भाई जनाब ईसा भी आने के लिए हई है कि वो भी आएंगे जनाब क्या कहते हैं इदरीस और जनाब खिज वगैरह ये सारे अम्बिया तो बुलाए जाएंगे ना कि जब मतलब रजत होगी तो सबको बुलाए जाएंगे सबको मौका है और सबको जो है वो देखने का मौका होगा तो रजत से मुराद यही है कि इन लोगों को जो आईमा हमारे जहर से गुजरे और मिलना भी चाहिए कि दुनिया में वो देखे कि मतलब ये कि क्या था तो वो अपने था अब यहाँ तक है रवायात में कि अगर अगर इमाम के आने में एक दिन भी रह जाएगा अल्लाह मसद तो उस दिन को इतना तूलानी कर देगा कि इमाम की हुकूमत जो है वो काफी तूलानी हुकूमत जो है वो रहेगी और उसको इमाम करेंगे तो रजत में हमारे यहाँ यही है रजत के ऊपर उलमा ने किताबें लिखी हैं और बहुत किताबें हैं ये तो किताब हम लोगों ने जमा की थी वो भी छपी नहीं है बहरहाल रजत पे काफी मवाद जमा की है माशा जी कि मतलब आखिरी सवाल आपसे कर लूँ और आपके सहमत तमाम कर लूँ क्योंकि जहर है आपकी भी मसरूफियात है अर्ज ये कि इस दौर हाज़र में चूँकि गैबत कुबरा का दौर है तो इसमें मोमिन की क्या जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो अंजाम देने चाहिए चूंकि हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता बल्कि कुछ जिम्मेदारियाँ जरूरी होती है अगर इस पे आप रोशनी डालें देखिए मोमिन की जिम्मेदारी है कि पहले तो वो अकाम लिया की पूरी तरीके से पाबंदी करें जी खुद भी करें और जो उनके जेर किफालत है जो उनके जेर निगरानी है जो उनके घर में बीवी बच्चे हैं उनको भी अहकाम पर अमल करने के लिए वो मतलब मजबूर करें और उनको बताए ये नहीं है कि लड़का रोजा नहीं रखता है तो हम जो, ना रखो, कोई बात नहीं। या भी भी जो है, मतलब तो है इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए जमीन फराम कर रहे है कि इमाम जो है वो आए तो आपको देखिए कोई आदमी नहीं चाहेगा जब इमाम आए तो उसकी छबी जो है वो इमाम के सामने खराब हो जी बेशक भाई वो ये चाहेगा कि कपड़े भी हमारे साफ हो बिल्कुल महिला को कपड़े पहने हुए इमाम के सामने ना पहुंच जाए इसी तरीके से तो वो चाहेगा कि इंसान का किरदार भी इतना साफ हो कि जब इमाम के सामने जाए तो इमाम जो है वो खैस की नज़र से ना देखें बल्कि हमको मोहब्बत की नजर से और मुस्कुरा के देखें तो मुमनिन का फर्द यह है कि पहली चीज तो यह है कि दीन को सही तरीके से क्राम से हासिल करे दीन की बात कर रहा हूँ आपने बेशक जी दीन देखिए इसमें एक मसला आता है आजादारिये से दुशोदा तो ठीक है जो लोग जाकिर है खतीब है वो भी जिम्मेदारी के साथ मजदूर पढ़ते हैं जो लोग तो उनके को बयानात को सुने वो तो ठीक है वो आपको गिरिया करना गिरिया। लेकिन अहकाम को खुदा रहा जो, जो, जो है आप शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को के इतने ऐसे मुतकी बनिए कि आप शुभ के भी करीब ना जाए देखिए हमारे अम्मा ने रोशनी डाली है देखो मशकूक और शुभ वाली चीज़ को हाथ ना लगाना जनाब जैनब ने इमाम हसन और इमाम से गुफ्तू हो रही थी तो उसमें भी जनाब जैनब ने यही तो फरमाया कि भाई नाना रसोल्ला ने यही तो फरमाया है कि कुछ चीज़ें हलाल है जो इंसान को मालूम है कुछ चीजें हराम है कि जिनको इंसान परहेज करता है और कुछ चीजें जो है वो मशकूक तो है तो मशकूक का मतलब यह कि जिसके मसले मतलब में हम नहीं जानते कि यह सही है या गलत है तो जनाब जैनब ने उसमें कहा कि मैं ये कहती हूँ कि उस मशकूक चीज से भी इंसान को अपने को बचाना चाहिए वरना मशकूक चीज पर जो है वो को खाने से या उसको मशकूक चीज को इस्तेमाल से आदमी जरी हो जाएगा और एक दिन वो हराम का मंतब हो जाएगा यही तकवा है यही परहेजगारी तो इंसान को मुतकी और परहेजगार बनना है तो नमाज अपनी वक्त पे अदा करे खुम्स की तारीख में अपना खुम्स वक्त पे अदा करे अपने बाल बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से अदा करे और जो चीजें शरीयत ने जो है वो देखने के लिए कही है उसको देखे जिसको मना किया उसको ना, उसको ना देखे जिस चीज को शरीयत ने कहने के लिए कहा वो चीज चीज कहे जिस को मना किया कहने से उस चीज के लिए अपनी ना खोले जी. जिस चीज को शरीयत ने सोचने के लिए गुमान करने के लिए कहा उसको गुमान करे जिस चीज को जो है वो शरीयत ने गुमान को गुनाह कहा है उस बदगुमानी से इंसान अपने को इसी तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे अपनी ताकत और अपनी कुत और अपने पैसे को यानी पूरी अपनी जो है वो क्या कहते हैं जो जिंदगी और उसकी जिंदगी की बिसात है उसको शरीयत के दायरे में गुजारे ताकि जब इमाम के सामने जाए तो देखिये तीन सौ तेरह में सारे नहीं हो जाएंगे जी, जी. लेकिन तीन सौ तेरह के अलावा ये भी नहीं है कि बकिया सारे बेदीन होंगे जी, तीन सौ तेरह तो इमाम के जो है वो क्या कहते हैं मतलब मोतबर मु, तरीन और मोहस तरीन लोग होंगे बेशक लेकिन बकिया भी ममिन होंगे तो उनको और काम भी दिए जाएंगे भाई तीन सौ तो तेरह तो इमाम के साथ जो है वो बायदा जंग में जाएंगे लश्कर कशी करेंगे ये वो तो तो उसके अलावा और भी बहुत सी उसमें जो है वो इमाम के जमाने में पोस्टें होंगी बहुत से मनसब होंगे उहदे होंगे तो हमारा कैरेक्टर अगर ऐसा होगा तो यकीन हमाम हम इमाम हम, हमको हम मौका देंगे और अगर हमारे कैरेक्टर ऐसे गलत हुए तो फिर हम इमाम को क्या मुंह दिखाएंगे तो इमाम तो आज भी रोजाना शियों के अमाल को देखते हैं और उसके बाद जब शियों की बुराइयों को देखते हैं या हमारी खताओं और को तो रंजीदा होते हैं कविदा खातिर होते हैं उसमें हम तलबा भी है हमारी ऐसी गलतियों जिसको इमाम जमाना को मुंह दिखाने का लायक हमको करार दे और हमको इस लायक बना और हमारे कैरेक्टर को हमारे किरदार को ऐसा हमें बनाने की तोफ़ी अता फरमा के इमाम के सामने जाए तो ना हम खुद शर्मिंदा हो ना इमाम हमारे गुनाहों से शर्मिंदा होमिन मौला आपके तोफ़ी में इजाफा फरमाए नहायत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए और नहायत ही उम्दा आम, आम फहम तरीके से जवाब दिए ताकि तमाम के तमाम मुमिन तो को वो आराम से इन शजीज़ समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माशा हुआ मौला आपके तोफ़ी में इजाफा फरमाएँ और हमारे हक़ में दुआ कीजिए एक दफ़ा फिर भी हम इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाएँ और निायत ही अपने हु को, को दिन दुगनी रात चौबनी तरक्की दे और इसी तरीके से आप अकायदे और मसल की खिदमत करते रहे और हक लोगों के सामने बयान करें देखिये को तो जो हमारे मुफ्ती और मराजे का काम है लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो अहिल की मजलूमियत को पूरी दुनिया के सामने हमको उजागर करना है और आप इसमें एक अहम रूल अदा कर रहे हैं मुझे यकीन है कि आप इमाम हुसैन आलम के हवाले से नाम भी आपने बहुत अच्छा रखा है इसलिए कि इमाम हुसैन आसम के हवाले से दुनिया हक हाँ को भी समझेगी और बातिल को भी समझेगी गलत को भी समझेगी और सही भी समझेगी तो मेरी दुआ है कि दिन दुगनी रात चौगनी आ, 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 आप लोगों को तरक्की हासिल हो और ये चैनल और मीडिया चैनल रोजाना जो है वो रोज अब्दू तरक्की करे और दुआ कीजिएगा कि मेरी साली का ऑपरेशन है कल आ, पिते का तो उनको भी सेहत और तो सलामती हो तो के सदक़े में और मैं दुआ गो हूँ फिर आप हमसे अगर कोई जो है वो मतलब हमको मौका देंगे तो फिर मैं आपकी हालत में हाजिर हूँ आपको सलामत रखे और आपसे इजाजत चाहते हैं अल्लाह है आ, ये थे हमारे साथ मौलाना जहैर साहब नहाय ही अच्छी गुफ्तु फरमाई गुफ इन्होंने और तबलीग के उनवान से इन्होंने जो जो जिस तरीके से चूँकि ज़ाहिर है कि इस दौर में हमें कुछ अहकाम अला की भी पाबंदी करनी होगी हर दौर में अलबत् लेकिन इस दौर में भी चूँकि दौर ऐसा आ चुका है जहाँ गुनाह के ज़रा नहायत ही ज़्यादा हैं यानी हद से ज़्यादा गुनाह के ज़रा हमारे पास मौजूद हैं बिलखसूस टेलीविज़न के शकल में हैं या वो इंटरनेट के शकल में है या मोबाइल्स के शकल में है जितने आजकल के दौर में जो जरा गुनाह के लिए मुहैया है और मैसर है वो शायद किसी दौर में यानि यकीन दूसरे अदवार में वो गुनाह के वसाइल मुहैया नहीं थे आ, लोग जो है गुनाह करने के लिए उनको मीलों मीलों सफ़र करना होता था आजकल के दौर में वही गुनाह के वसाइल ख़ुद नहायत आपके घर बैठे आपको मिल सकते हैं तो इस किस्म की चीज़ें नहायत ही यानी दौर जो है दौर पूरा शोभ दौर है और इस दौर में चूँकि रिवायत में भी हमारे पास है कि जो बाक़िया जितने भी अदवार थे बाकी उम्में थी उन सब के जितने भी फितन हैं जितने फितने हैं फसादात उस ज़माने में थे वो सब इस एक ही दौर में आ जाएंगे तो बहरहाल बेशक ऐसा ही है कि आजकल के दौर में वो जितनी भी फसादात थे जितनी भी फितने थे जितनी भी गुनाह के ज़रिए थे जो उस दौर में जितनी आसानी से थे तो वो सबको मिला के इस एक दौर में वो जमा हो चुके हैं तो नहाए ही इसी वजह से वजह भी यही है उस वजूहत में से कि खुद हज़रतमरतबली ने फरमाया कि इस दौर के लोग जो गबत गैबत इवाम ज़मान गैबत जमाना ज़मान में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग तमाम अदवार के लोगों से अफजल तर है इनकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा है तो सहाबी ने कहा कि या रसूल सल्हु हम आपके साथ जंगों में लड़े हमने जहमात उठाए हैं हमने बहरहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ात उठाए हैं तो वो लोग क्या हमसे भी अफजल होंगे जो कि हम आपके रकाब में लड़े हैं आपके हक में हमने तलवार उठाई है आपकी दिफा की है तो जनाब हतिम मरतबत सल्ला ने फरमाया कि जी आपसे भी ज़्यादा वो उनकी फजीलत ज़्यादा है चूँकि आप लोगों ने देख के आप लोगों ने देख के आ, अमल किया और आ, आ, हम ख़ुद हजरत रसालत में आपको देख रहे हैं और आप बिल्कुल बरह रास्त हमें देख के अमल करने वाले लोग हैं लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि जो देख के उनके सामने कुछ नहीं होगा इमाम बज़ाहिर मौजूद नहीं होंगे उसके बावजूद भी वो लोग आ, अमल करने वाले होंगे अहल तकवा होंगे और दुनिया के और शायद एक वजह उसकी ये भी है कि जो पूरे दुनिया पूरे अदवार के मुख्तलिफ दौरों में पैगम्बरों के दौर में आयमा के दौर में उन सब फ़ैतान को एक ही दौर में जमा किया जाएगा तो उस एक दौर में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतने शदीद गसायल है और गुमराही के वसायल है सब चीज़ें मुहैया है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने एहतिक पे कायम है और वो अपने ख़ुद के अकीदे और ईमान पर वो मजबूती से खड़े हैं तो इस शख्स की फ़ज़ीलत और इस शख्स की जो मारिफत है और जितना भी इसकी बुजुर्गवारी है वो उन लोगों से ज़्यादा है यही वजूहात है और आ, चूंकि दौर का जो इस दौर में है ज़हर हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना भी नहाय मुश्किल हो चुका है उसकी एक वजूहत ये भी हो सकते हैं कि चूंकि हक और बातिल के दरमियान फ़र्क नहायत ही दकीक हो चुका है यानी हक और बातिल के दरमियान इंसान बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें इंसान हक और बािल में आप तवज्जो नहीं कर आप तशीस नहीं दे सकते चूँकि आप देखेंगे एक जगह पर भी इतने सारे नमाजी खड़े हैं नमाज एक पढ़ रहे हैं रो रहे हैं दुआएं पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से वो लोग आ, आमाल अंजाम दे रहे हैं खुजू खुशू और इबादत नहाय कसरत से अंजाम दे रहे हैं दूसरी तरफ जाएंगे वो भी उसी तरीके से हैं वो भी बिल्कुल इन्हीं के मानेंदे रो वो इबादत में खुजू और खुशबू भी बज़ाहिर रखते हैं वो दुआएं भी कर रहे हैं वो तमाम के तमाम अहकाम इलाहिया पर भी बाहिर अमल पैरा हैं इन दोनों ग्रोहों का आपस में इख्तलाफ भी है आपको यकीन भी है इजमाली तौर पर आपको यकीन है कि इन में से एक ग्रोह एक ग्रोह जो है वह गुमराह है एक ग्रोह जो है वो खारजी ग्रोह है, है, है। यानी पुराने दौर में आपको हक आसानी थी जाहिर है कि वहां पर आप हजरत अमीरिन के दौर को ही देख लीजिए तो रसूल ने खुद फरमाया था कि आल आली वा आली वा हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है तो जहर है जिस दौर, जिस तरफ अली होंगे, उस दौर पर उसी उसी ग्रोह के साथ हक है तो ये उन लोगों के लिए वाजह थी यह बात और आसानी से वह तशीस भी दे सकते थे लेकिन आजकल के दौर में चूंकि बकिया दौर से काफी यह दौर जिसको कहा जाए कि ख़तरनाक दौर है और फितन का दौर है मुश्किल का दौर है उस दौर में हजरत अमीर अमीरमिन के दौर में हक वाज इमाम हसन मुशतबा के दौर में हक वाज इमाम हजरत सैद शहदा के दौर में हक वाज सबको मालूम था कि इमाम जो है वो रसूल के सच्चे जहा है और ये हक पे हैं दौर जितना जाता रहा कमरंगी उतनी आती रही लेकिन जब आयमा का दौर यानी ग्यारहवें सरकार तक हजरत इमाम हसन अस्करी सलाम तक तो वहां तक बातें काफी सारी वाजह थी चूंकि एक इमाम जो नस्से इमामत पे इमाम बने हैं वो दूसरे इमाम की मुआरफी कर देते थे लोग थे अब इमाम जमाना सलाम का जो दौर है इस दौर में जहर के इमाम बाहर मौजूद नहीं है और आप जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि दो तरफा लोग हैं आपको इजमाली हासिल है कि एक एक तरफा लोग जो है वो गुमराह है खारजी है नासबी है काफिर है और दूसरी तरफ लोग जो है वो हक पे है इजमाली आपको शक है इनमें से कोई एक है तो क्या किया जाए जहर है अगर फिक का मसला देखा जाए तो फिक में तो जगह जहां आपको इलम एजमाली हासिल हो जाता है आप दोनों को छोड़ देते हैं लेकिन यहां पे मसला फ़िकी मसला नहीं है ये एहती मसला है इसमें आप छोड़ नहीं सकते फिक में आप देखें कि दो गिलासों की आप मिसाल ले लें एक गिलास में मसला नजासत है और एक गिलास में एक गिलास पानी का है दोनों पानी का है लेकिन एक पानी नजस है तो इस में फ़िकी जो कायदा जारी होता है वो कहते हैं दोनों से आप गोरेज कर लें दोनों पानी को छोड़ दीजिए चूंकि जो ऐल में ऐजमाली आपको हासिल हो गया तो ये दलालत करेगा एहतियात के ऊपर एहतियात कर लीजिए लेकिन यहां पे एहतियात नहीं कर सकते चूं क्यों नहीं कर सकते चूंकि दरमियाना तो हो नहीं सकता अब यहां पे या तो आ रहा है या पार है तो एक गिरोह के साथ आपने होना है और कुरान में हमारे पास फकत इतना ही मौजूद है वकून वकून मा सदकिन सच्चों के साथ रहना अब ज़ाहिर है कि इसके लिए आपको अपने अकल की नहाय ही जरूरत आपको अपने अकल की जरूरत पड़ेगी हमारे एक उस्ताद थे बहुत ही अजीम जुमला फरमाया करते थे फरमाते थे कि हर चीज को अकल के साथ गिरा दे दीजिए हर चीज के लिए अकल यानी हर चीज को आप अकल के साथ गिरा दे दिए उसके साथ बांध दे, पता चल जाए कि ये चीज अकली एबार से आप जब फिक्र करेंगे गौर करेंगे तदब्बर करेंगे तो उस हालात में आपके लिए वाज हो जाएगा कि इसमें से कौन से लोग जो है वह हक पे हैं और जाहिर है इसके लिए काफी सारे जहमत की जरूरत है आपको अपने दिल का आईना जो है वो साफ करना पड़ेगा आपको गुनाह से दूर होना पड़ेगा हाँ एक चीज है हिदायत जो है वो चूंकि हदीस में भी मौजूद है हिदायत हजरत इमाम असर सलाम का काम है वो इंसान को हिदायत करेंगे वही हादी है वही मेहदी है अच्छा ला शरीफ वो आपको हिदायत जरूर करेंगे लेकिन इस हिदायत के लिए ज़ाहिर है कि आपको पाकियत का और इस फसादात और गुनाहों से गुसल करना पड़ेगा और वो गुसल ज़हर है कोई ज़हर पानी से नहीं किया जा सकता उसके लिए आपको दिल का आईना साफ रखना पड़ेगा गुनाहों से दूर होना पड़ेगा आपको आमाल अपने दुरुस्त करने पड़ेंगे तो ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इन अज़ीज़ इमाम हमारी हिदायत फ़रमाएंगे और आखिर में वही दुआ जो कि हम कसरत से वही दुआ करते भी हैं और करने भी चाहिए अलहमाजिल वली कल फरज